सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दूसरे वनडे के लिए कोहली कर सकते हैं एक बड़ा बदलाव। देखें भारतीय संभावित प्लेइंग 11। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 6 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट्स पार्क में 4 फरवरी रविवार को दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को डर्बन में खेले गए पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराया था। भारत दूसरे वनडे में भी अपने जीत के इस सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगा। सेंचुरियन में खेले जाने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत के संभावित 11 खिलाड़ियों की बात करें तो भारतीय टीम में हार्दिक पंड्या के रूप में एक बदलाव हो सकता है। सभी जानते हैं कि हार्दिक पंड्या को टीम में बतौर ओपनर जगह दी गई है, पर पंड्या अब तक गेंद और बल्ले दोनों से ही कुछ खास नहीं कर पाए हैं। हार्दिक पंड्या अपनी पिछली 5 वनडे पारियों में 30, 8, 10, 8 और 3 रन बना पाए हैं, जबकि बॉलिंग में पंड्या का और बुरा हाल है। पिछली 5 पारियों में पंड्या का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। इस स्थिति में भारत एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ दूसरे वनडे में उतर सकता है। पंड्या को छोड़ बाकी टीम जस की तस रहने की संभावना है। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कप्तान अजिंक्य रहाणे, केदार यादव, महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। दूसरी ओर सेंचुरियन वनडे के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम की बात करें तो एडेन मानक्रम की जगह खाया जोंडो वनडे में अपना डेब्यू कर सकते हैं, जबकि भारत के खिलाफ पिछले 9 मैचों में 9 विकेट लेकर साधारण प्रदर्शन करने वाले इमरान ताहिर की जगह तब्रेज शामशी को मौका दिया जा सकता है। क्विंटन डीकॉक, विकेट कीपर हाशिम अमला, फाफिडू प्लेसिस, कप्तान खाया जोंडो, जेपी डुमिनी, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, मुरने मोरकेल, एन अडेल्फे लुकवायो, कगिसो रबाडा, तब्रेज शामशी। आप लोगों के हिसाब से क्या अब वो समय आ गया है जब भारत को हार्दिक पंड्या की जगह ऑलराउंडर के तौर पर अन्य विकल्प तलाशने चाहिए, या पंड्या को अभी कुछ और मौके दिए जाने चाहिए? आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।